नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूपिका लियाकत। 6:30 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक रेलवे स्टेशन पर, और कहूं कि नागपुर का रेलवे स्टेशन है तो आप बाद में समझेंगे ऐसा क्यों कह रही हूं। आज के वक्त में देखिए, हर काम हर चीज के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी बिजली की जरूरत होती है। आप और हम बिजली के बिना तो जिंदगी की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। वहीं देश के कई ऐसे दूर दराज इलाके हैं जहाँ लाखों लोग आज भी बिजली की राह तक रहे हैं। हमें और आपको आज भी बिजली की जितनी जरूरत होती है उतनी मिल ही नहीं पाती है। कई बार तो कट इलेक्ट्रिसिटी का उसी में परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पूरे देश में बिजली की खपत ज्यादा है और बिजली की सप्लाई कम है। ऐसे में अगर हम आपसे ये कहे कि आपको एक एक कदम चलना बिजली पैदा कर सकता है, जैसे अभी करेगा, ये देखिए, एक एक मेरा कदम बिजली पैदा करेगा, तो आपको ये बात मजाक लगेगी। हमने आपके लिए ये फ्लोर इसलिए तैयार किया है क्योंकि नागपुर में ऐसा फ्लोर तैयार हो गया है। महाराष्ट्र के नागपुर रेलवे स्टेशन पर एक कंपनी ने एनर्जी फ्लोर लगाया है, जिससे अगर कोई भी गुजरेगा, फर्ज कीजिए मैं अगर यहाँ नागपुर के इस प्लेटफॉर्म से गुजर रही हूँ, तो जब जब मैं चलूँगी, जैसे जैसे एक कदम आगे बढ़ाऊँगी, ये फ्लोर पे रखा गया मेरा एक एक कदम बिजली पैदा करेगा। उससे रेलवे स्टेशन पर लोगों के फोन चार्ज होंगे। फोन चार्ज तो ठीक है, बिजली के बल्ब भी जलाए जा रहे हैं। आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं समझाऊंगी। सिर्फ चलने भर से बिजली कैसे पैदा हो रही है ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि ऐसे फ्लोर्स बनाने की जरूरत आज की तारीख में पड़ी क्यों। ये देखिए, आप तस्वीर देखिए, यही वो फ्लोर्स है और इसी की मदद से बिजली पैदा की जा रही है। ये फ्लोर देखिए, आपकी आसानी के लिए हमने यहाँ स्टूडियो में फ्लोर तैयार किया। ये असल में फ्लोर आपके सामने, कोई भी यहाँ से गुजरेगा तो एनर्जी क्रिएट होगी, और जैसे ही एनर्जी क्रिएट होगी आपके बल्ब जलेंगे, आपका फोन चार्ज होगा। पूरे देश में बिजली के लिए हाय तौबा मची रहती है। बिजली की किल्लत होते ही हम सरकार को कोसने लगते हैं, लेकिन क्या हम और आप कभी खुद बिजली बचाने की कोशिश करते हैं? कभी नहीं। बाथरूम की लाइट जल रही है तो जलने देते हैं, बेडरूम में पंखा चल रहा है चलने देते हैं, हम कभी कोशिश नहीं करते कि बिजली बचाए। बिजली के मोटे मोटे बिल से भले ही हम परेशान हो जाएं, लेकिन अक्सर कमरे से बाहर जाते वक्त पंखे और लाइट हम बंद नहीं कर सकते। कंप्यूटर, प्रिंटर, टीवी, डीवीडी प्लेयर का काम खत्म हो गया, लेकिन आप इस्तेमाल के बाद भी चीज़ों को चालू रखेंगे। वाटर हीटर का तापमान बढ़ाकर रखने से बहुत बिजली बर्बाद होती है, हमें पता है, लेकिन फिर भी हम बंद नहीं करेंगे। और तो और, आप पानी गर्म होने के बाद भी हीटर का स्विच बंद नहीं करेंगे। एसी को बिना जरूरत के भी चला कर रखते हैं, चाहे मेंटेन क्यों ना हो गया हो टेम्परेचर। शायद ही कभी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते वक्त स्टार रेटिंग देखते हैं कि ये कितनी बिजली खपत करती है कितनी नहीं। आपके लिए रिपोर्ट। देश के दूर दराज इलाकों में रह रहे लाखों लोग आज भी बिजली की राह तक रहे हैं, लेकिन ये इंतजार अब जल्द ही पूरा होने वाला है। जमीन पर पड़ने वाला आपका हर कदम बिजली बनाएगा। आप अपनी जरूरत की बिजली खुद पैदा कर सकेंगे, वो भी बिना अपनी जेब ढीली किए। ये है महाराष्ट्र के नागपुर का रेलवे स्टेशन। यहाँ आने वाला हर इंसान स्टेशन को बिजली का तोहफा देकर जाता है। यहाँ पड़ने वाला हर कदम बिजली बनाता है। दरअसल नागपुर रेलवे स्टेशन पर एक कंपनी ने एनर्जी फ्लोर बनाया है, जिस पर चलने से बिजली बनती है। इस फ्लोर को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि पैरों से चलने से पैदा हुए काइनेटिक एनर्जी यानी गति ऊर्जा बिजली में बदल जाती है, और फिर इस बिजली का इस्तेमाल कहीं पर भी किया जा सकता है। कंपनी का दावा है कि ये फ्लोर पूरी तरह स्वदेशी है। डेनमार्क के अंदर एक रेस्टोरेंट जहाँ आप साइकिलिंग करो और आपको फ्री फूड मिलता है, ठीक है, उसी तरह से ग्लोबल पेटेंट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को आप हाई स्पीड में मूव करो और उसमें कोई एनर्जी लगती नहीं है, कोई डिपेंडेंसी किसी भी फ्यूल की नहीं है उसके ऊपर। एनर्जी फ्लोर पर चलने से एक बार में तकरीबन 10 वॉट के करीब बिजली पैदा होती है। ये एक बल्ब जलाने के लिए काफी है। इस एनर्जी फ्लोर की एक खास बात और भी है, इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। नागपुर रेलवे स्टेशन पर लगाए गए इस एनर्जी फ्लोर को देखकर लोग हैरान हैं। वो समझना चाहते हैं कि उनके चलने से बिजली कैसे बन जाती है। आप अगर पावर जनरेशन की बात करें तो एक मेगावाट बनाने के लिए, जहां तक मेरा तजुर्बा जाता है, 3.5 से 5 करोड़ जाता है अलग अलग चीज़ों में। हम शायद उससे
कहीं आसपास भी नहीं है। ये बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसा हर जगह अगर हो, क्योंकि कोयला है, बाकी और सोर्सेज हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वो तो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, पर ये ऐसी चीज़ है ये ख़त्म तो होनी नहीं है। मुझे ये लगा कि मतलब इसका, और वहाँ पीछे चार्जर्स भी लगे हुए हैं, वहाँ पे लाइट भी जनरेट हो रही है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम बहुत सारी जगह की दूर हो सकती, गांव की दूर हो सकती, शहर की दूर हो सकती है। फिलहाल इस पूरे फ्लोर को 15 दिनों तक नागपुर स्टेशन पर रखा जाएगा, जिसके बाद उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो देश में रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर एनर्जी फ्लोर लगाने की योजना है, जहां लोगों की आवाजाही बहुत ज्यादा होती है और जमीन पर पड़ने वाला हर कदम देश को रोशन करेगा। अखिलेश हलवे, जी मीडिया, नागपुर। तो नागपुर का रेलवे स्टेशन ऐसा कि जहां एक भी कदम आप रखेंगे तो ये हरे हर ही हो जाएगी, यानी बिजली की कहीं ना कहीं पैदावार आपके एक एक कदम से शुरू हो जाएगी। एक कदम बिजली बनाने में कितना कारगर साबित हो सकता है, ये आप समझ गए। अब ये भी जान लीजिए कि कैसे जरा सी सावधानी से आप बहुत सी बिजली बचा भी सकते हैं। CFL या LED बल्ब इस्तेमाल अगर आप करें, जरूरत हो तभी ऐसी AC का इस्तेमाल करें, जरूरत ना हो तो लाइट्स को ऑफ करना ना भूलें। रोड पर कहीं लाइट्स जलती अगर आपको दिखे, जो अक्सर दिखती होगी, तो उसे आप बंद करवा दें, फोन कीजिए, पता कीजिए कि कैसे यहाँ की लाइट्स बंद हो सकती है। घर की वायरिंग लगातार चेक करते रहिए, अर्थिंग का प्रयोग जरूर करें, पता कीजिए कि अर्थिंग कहीं हो रही है कि नहीं, उससे भी बिजली की खपत होती है। एक्सटेंशन कॉर्ड का इस्तेमाल करें, पावर एक्सटेंशन कॉर्ड की मदद से आप 10% बिजली की बचत कर सकते हैं, पता है आपको। अपने वाटर हीटर के तापमान के स्तर को कम करके 48 डिग्री पर आप सेट कर दें ताकि ज़्यादा खपत ना हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले UP में पर पर्सन हर व्यक्ति रोजाना 1 घंटा भी बिजली बचा ली जाए तो हर महीने लगभग 180 करोड़ रुपए की बिजली बचाई जा सकेगी। इससे देश के हर इंसान तक बिजली पहुंचाने में मदद मिल जाएगी, बिजली दरें जाहिर सी बातें कम हो जाएगी। आप किसी मार्केट में चले जाइए, वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप मेन मार्केट चले जाइए, सदर बाजार में देखिए 100-100 हज़ार वाट के बल्ब जल रहे हैं, मॉल्स में देखिए, क्या ये तो अनस्क्रूपलेस है ना, एब्सोल्युटली अनस्क्रूपलेस है। अगर किसी का आप कहो तो वो तुमको मानने को आता है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं है। LED की बहुत अच्छी मूव शुरू करी थी, लेकिन वो जमीनी स्तर पर उतर नहीं पाई है। ट्रांसमिशन के दौरान भी बिजली की काफी बर्बादी होती है। साल 2014 और 15 में इससे 3 अरब यूनिट बिजली बर्बाद हुई थी ट्रांसमिशन में, जो देश भर में एक दिन के बिजली का खर्च है। एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक देश के 8% विकास दर बनाए रखने के लिए साल 2031 तक 3 से 4 गुना ज्यादा बिजली उत्पादन की हमें जरूरत पड़ेगी।